चंद्रशेखर चंद्रशेखर। ये गेंदा सिंह की जेल है, यहाँ पर तुम लोगों की मनमानी नहीं चलेगी, यहाँ मेरी मर्जी चलती है, मेरे कायदे कानून से रहना होगा तुम लोगों को, समझे? सर, ये पत्रकार हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर से मिलना चाहते हैं। कौन है ये, किस पत्रिका से हैं, सब जांच पर रख लिया? जी सब देख लिया। क्या नाम है आपका? जी गणेश। कहाँ से आए? कानपुर से। बहुत मेहनत करके आए आप। खबर की तलाश दूर तक ले ही आती है। ठीक है, मिला दो इन्हें, पर ध्यान से। जी आइए। ओ पत्रकार साहब, ये सब डकैत हैं, राजनीतिक कैदी नहीं है। आइए, मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीतिक कैदियों के पास। नंबर 18। ये है राजनीतिक कैदी, बात कीजिए। जी भाई साहब, हम अपनी कलम कहीं भूल गए, अगर आप हमारे लिए कलम ला सके तो। मेरे पास कलम नहीं है, डंडा है, और जेल में कलम नहीं डंडा काम आता है। आप कैसे पत्रकार हैं, कलम लेकर आना चाहिए था ना। नहीं नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, पर मैं लाया था, कहीं गिर गई, अगर आप ला सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा आप रुको, मैं गेंदा सर के ऑफिस से लेकर आता हूँ। ए हवलदार, यहाँ जब तक मैं ना आ जाऊँ इनको यहीं रखना। ठीक है सर। हम जरा मुआयना कर लेते हैं। आप यहीं रुके रहिए। अरे हम कैदी नहीं है, पत्रकार हैं हम, घूमने फिरने की आज़ादी तो होनी चाहिए ना। पर सर हुकुम नहीं है। जरा हमारा भी हुकुम मान लीजिए। 18 नंबर आइए। भगत, भगत, मैं विद्यार्थी। कैसे हो भगत? साथियों विद्यार्थी जी आए। आप यहां कैसे आए? वो सब छोड़ो, यहां क्या हो रहा है ये बताओ मुझे। अपना ख्याल रखना। वंदे मातरम। वंदे मातरम। पत्रकार कहाँ है? तो चले गए। चला क्या, बिना बात की? एक बार फिर सोचना होगा हमें इस योजना के बारे में। इन परिस्थितियों में अरविंद पे हमला करना घाटे का सौदा साबित ना हो हमारे लिए।
आप क्या कहते हैं भगवती भाई? खतरा तो हमें मोल लेना ही होगा साथ। गांधी जी के साथ तुम्हारी मुलाकात अधूरी रही, तुम वहां गए भी और मुलाकात भी नहीं हो पाई। अब कोई सटीक उपाय निकालना ही होगा हमें इस समस्या का। पूरी खबर है हमारे लिए। भगत और हमारी साथियों की हालत बहुत खराब है जेल में। मैं अभी उनसे मिल के आ रहा हूं। जब से उन सबका चेहरा देखा है समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। लेकिन हुआ क्या है? कैदियों को मिलने वाले खाने और बाकी सारी सुविधाओं के लिए भगत ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है जेल में, और वो जिद्दी गेंदा सिंह कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। भगत का कहना यह है कि उसे और बाकी क्रांतिकारी साथियों को राजनीतिक कैदियों जैसा दर्जा मिलना चाहिए, उन्हें वैसा ही खान पान और उनके साथ वैसा ही सलूक होना चाहिए। जतिन, सुखदेव और बटुकेश्वर भी शामिल हो गए उनके साथ भूख हड़ताल में। एक पल भी रहने नहीं दिया जा सकता उन्हें जेल में। इन सब में एक बात अच्छी हुई है, कम से कम वो चारों साथ में तो हैं। सही कह रहे हैं भगवती भाई, वो चारों जेल में हैं, और उन चारों को एक साथ ही जेल से निकालना होगा। तो फिर क्या विचार है, अरविंद पे हमला या? क्या सोच रहे हो? सोच रहे हैं कि हमारा इस बार का फैसला सही होगा कि गलत। रविन पे हमला करना इतना आसान नहीं होगा, वायसराय है वो। लेकिन हम इतना सोच ही क्यों रहे हैं पंडित जी? इस हमले से हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम ब्रिटिश हुकूमत को यह संदेश पहुंचा देना चाहते हैं, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम उनके हर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारा जोश जुनून अपनी जगह सही है यशपाल, लेकिन वायसराय पे हमला करना भी इतना आसान नहीं है, पासा पलट सकता है। आजाद, ये डर तो हमारा हर हमले में रहेगा। किसी भी व्यक्ति या संस्था पे हमला करने के समय ये सवाल आएगा। हम डर नहीं रहे भगवती भाई, हमारे लिए चिंता का विषय सिर्फ इतना है, छवि, जिसके लिए भगत और बटुकेश्वर ने अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे धकेला। हमारी जिम्मेदारी है उस छवि को बरकरार रखना। हम उन्हें समझाएंगे कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम उनके वाइसरॉय तक पहुंच सकते हैं। इस हमले के बाद हम उनके सामने अपनी शर्तें रखेंगे कि भगत और हमारे बाकी साथियों को छोड़ना होगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो उन पर हमला दोबारा होगा। अपनी शर्तें मनवाने के लिए उन्हें डराना जरूरी है पंडित जी। जैसे मैंने उनकी हालत देखी है, मैं यशपाल और भगवती की बात से सहमत हूं। अखबार अपना काम करेगा, लेकिन हमें कुछ बड़ा करना होगा। वायसराय, अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ बड़ा सोचो। कुछ बड़ा करने से ही इन अंग्रेजों तक हमारी बात पहुंच पाएगी। यशपाल ठीक कह रहा है, डराना पड़ेगा, और इस बार और अच्छे से डराना पड़ेगा इन अंग्रेजों को। वायसराय इन अंग्रेजों का बहुत बड़ा प्रतिनिधि है हमारे देश में, और इस बार कोई चूक की गुंजाइश नहीं है। बाकी खतरा बड़ा, हमाका बड़ा, और इस बार तैयारियां भी बड़ी होंगी। ये क्या खबर छपी है बीरमल? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। तुझे नहीं पता तो किसे पता होगा? इस जेल के अंदर क्या होता है ये बात बाहर कैसे निकली? इतनी बड़ी खबर अखबार में छपी पर तुझे या मुझे पता ही नहीं कि कौन हमारे नाक के नीचे से खबर निकाल कर ले गया। ये सबसे बड़ा तमाचा है हमारे सिस्टम पर। पता करो कि ये चूक कब और कैसे और कहां हुई। जी, मैं पता करके बताता हूँ। सुनो,
जी सर। कहीं ये उस भगत ने तो नहीं सर, भगत पर तो सबसे ज्यादा सख्त नजर रखी जा रही है और उसे किसी से बात करते हुए भी नहीं देखा गया है। भगत नहीं हो सकता। जो वो पत्रकार आया था वो तो किसी से बात करने से पहले ही चला गया था। जब उसने किसी से बात ही नहीं की तो वो पहले क्यों निकल गया? जरूर उसके हाथ कुछ ना कुछ लगा होगा। अपनी कलम कहीं भूल गए। अगर आप हमारे लिए कलम ला सके तो। सर, जो पत्रकार उस दिन आया था वो देखने में शातिर नहीं था, लेकिन निकला बहुत शातिर। हो न हो, ये उसी का काम है। उसे ही कुछ ऐसा या किसी ने इतने सिलसिलेवार तरीके से जेल के अंदर के बारे में बताया होगा। जल्दी पता करो इसके बारे में, मुझे जल्दी बुलाया जाएगा। ये अंग्रेज इसे अपनी तौहीन मानेंगे। जाओ। जी सर। भगवती भाई, समय बहुत कम है हमारे पास, एक बार प्लानिंग की चर्चा फिर से हो जाए। चाय चाय, गर्मा गर्म चाय भाइयों के लिए। चाय चाय। बापू 23 दिसंबर को दिल्ली में लॉर्ड अरविंद से मिल रहे हैं। अरविंद उसी सुबह दिल्ली पहुंचेगा। 23 दिसंबर मतलब हमारे पास एक ही हफ्ता बाकी बचा है। वाइसरॉय लॉर्ड अरविंद के लिए एक स्पेशल रेल का भी इंतजाम हुआ है। पूरी रेल उन्हीं के लिए रिजर्व रहेगी। पूरी रेल? जी पंडित जी, पढ़कर तो ऐसा ही लग रहा है। भगवती भाई, पूरी रेल के लिए कितने बमों की आवश्यकता है? आजाद, एक पूरी रेल? आप ही लोगों का सुझाव था। कम से कम 4 बम। और इन 4 बमों को बनाने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता हो? ये कोई 5-6 दिन। 5-6 दिन? नहीं भगवती भाई, 4 दिन है हमारे पास। हम जानते हैं आपकी परेशानी क्या है, फिक्र ना कीजिए। वैशम पायन आपकी मदद करेगा और फिर हम चाहते हैं कि आप अपना हुनर इसको भी सिखा दें। पार्टी के लिए योगदान होगा। मैं तैयार हूं। यशपाल जी, पंडित जी, हमने सुना है कि दिल्ली के आसपास की जगह से तुम अच्छे से वाकिफ हो। हाँ जी। हमारा एक काम, दिल्ली के आसपास के स्टेशन की जगह ऐसी जगह ढूंढो जहां पे बम सुविधाजनक लगाए जा सके। हो जाएगा। भगवती भाई, केवल 1 हफ्ते का समय है हमारे पास। चौथे दिन बनेगा बम, 5वें दिन होगा उसका परीक्षण, 6ठे दिन मिलेगी हमें उस परीक्षण में सफलता और 7वें दिन, 7वें दिन होगा भगत जेल से आजाद। आराम से पप्पू भाई, और कुछ इन सब का और जरूरत तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, हो गया। बम को प्रयोग में लाने का पूरा इंतजाम हो गया है? जी बिल्कुल। और निकलने की तैयारी? हाँ हाँ, सब तैयार है। बोलो कब निकलना है, शांति मचाने। अरे वाह, क्या बात है बाबू भाई, सारी तैयारी हो गई। ये लीजिए, इसमें डाल दीजिए। हारूत को आग के पास ले जाने की गलती कर रहे थे तुम। एक कदम पीछे होते तो हम सब राख हो जाते हैं यहां पे।
पंडित जी अनजाने में हुआ। कोई बात नहीं, ध्यान से। पंडित जी, राख में होने की बारी तो अब उनकी है। सही कह रहे हो वैशंपा। तुसी फिकर ना करो, ये केस जल्दी खारिज हो जाएगा। लग तो मुझे भी यही रहा है पुत्र, सारे अखबारों में तुम लोगों के पक्ष में ही रिपोर्ट छपी है। तुझे और पटुकेश्वर दोनों को पत्रकारों की मदद भी मिल रही है, तो लगता है कि जल्दी कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। वो तो अच्छा हुआ कि आपने विद्यार्थी जी तक मेरी बात पहुंचा दी और वो जेल मिलने आ गए मुझे। मैं? मेरी तो उनसे कई दिनों से मुलाकात ही नहीं हुई। ये कह रहे हो? हाँ। तो फिर वो मुझे जेल तक मिलने कैसे आए? उन तक बात पहुंचाई किसने मेरी? ऐसे मनु भी नहीं पता। फिर तुम्हें दोस्तों की कमी नहीं है भगत, जेल में तुम हो और परेशान तुम्हारे चाहने वाले। मुझे आजाद ने कहा था तुमसे जेल में मिलने के लिए। पंडित जी कैसे हैं वो और कहाँ है वो? यही लाहौर में ही है। जब से तुम जेल गए हो बहुत परेशान, कवायद में लगे हुए हैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से छुड़ाने के लिए। नहीं, मैं भी जेल से नहीं निकल सकता ऐसे। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता जेल से निकलना मुनासिब नहीं है। तुम दोनों सच में बहुत जिद्दी हो। नहीं मैं उसे समझा सकता हूँ और ना ही तुम्हें। चलो पेशी का समय हो गया है। चलो जी चलो, पेशी का समय हो गया। साहब आज वो लोग जंगल में बम का परीक्षण करने वाले हैं। कौन कौन लोग शामिल हैं उनके सेक्शन में? सर आजाद, भगवती चरण बोरा, वैश्यम पायन, यशपाल और मैं। किस सेक्शन के लिए बम का परीक्षण कर रहे हैं? साहब शायद वाइसराय अरविंद की हत्या के लिए। तुमको पता है किसके बारे में बात कर रहा है? जानता हूँ। This man's audacity has no bounds. This bomb cannot be tested successfully. Have to make an arrest before it's too late. कितने बजे वहां जाओगे? सर अंधेरा होने तक जाना है। तो ये बताओ ये परीक्षण तुमने पहले भी किया या पहली बार कर रहे हो? इस तरह का सवाल है, पहले किया हो या ना किया हो उससे क्या फर्क पड़ता है? इस बार सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए। It's a matter of the viceroy. Very incomprehensible. When do they plan to attack him? इतना तो नहीं पता साहब, बस इतना पता है कि अरविंद जी गांधी जी से मिलने वाले हैं, बस उसी दौरान। तुम्हें एग्जैक्ट डेट नहीं पता? नहीं सर। सर जब पकड़े जाएंगे तो गलवाई लेंगे। कोशिश तो इन्होंने बहुत बारी की है लेकिन जय गोपाल जैसे लोग हैं ना, इनकी वजह से कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। Sometimes I wonder, तुम हमारे साथ हो या इन मिस्क्रियंस द सो कॉल्ड क्रांतिकारियों के साथ? नो सर, आई एम विद यू ऑलवेज। मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं सर? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ये जय गोपाल जैसे लोगों की वजह से ये लोग कभी सक्सेस नहीं हो पाए सर। और इस बार होनी नहीं चाहिए। Get into action now, go. Sir. Sadhu. Sorry, sir. This idea is too far-fetched. But since the viceroy is involved, we cannot take any risk. Get all your men into action. All the places that Sir Lord Irvin has scheduled a visit. Yes, sir, it will be done. We'll ensure they fail this time, sir. Good. आजाद ये जगह ठीक है। अबू भाई तेज बारिश के आसार लग रहे हैं, बम का श्री गणेश करना चाहिए हमें? बारिश हो या तूफान परीक्षण तो आज ही होगा।
शेखर।